नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है बुरे समय में भी सकारात्मक बने रहें। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव के बाहर दो संत एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांव पर जाते और भिक्षा मांगते, शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते, इसी तरह इनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने गए। शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में आंधी तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वो क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गांव में तो चोर लुटेरों के घर सही सलामत हैं। हमारी झोपड़ी तोड़ दी, हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत झोपड़ी तक पहुँचा तो उसने देखा कि आंधी तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। ये देखकर वो खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। साधु बोल रहा था कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है, हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर आंधी तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली, अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हालात को देखना चाहिए। इस प्रसंग में पहला संत दुखी रहता है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, जबकि दूसरा संत सुखी है क्योंकि वह भगवान पर भरोसा करता है और उसकी सोच सकारात्मक है। बुरे समय में नकारात्मक बातों से बचेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और न्यूज़ हम आपके सामने लाते रहें।